नवीमुंबई आवाज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाए नवीमुंबई और पनवेल की ताजा तरीन खबरें। नवीमुंबई खारघर सेक्टर 36 में लॉन्च हुआ है पैराडाइज ग्रुप का साई वर्ल्ड एम्पायर, जिसमें 3 दिनों का समावेश का रखा गया आयोजन लोगों के लिए मनमोहक केंद्र बना रहा। और साई वर्ल्ड एम्पायर का प्रोजेक्ट को लेकर तीसरे दिन भी ग्राहकों का अच्छा प्रसाद रहा। और इसी विषय की जानकारी के प्रति साई वर्ल्ड एम्पायर प्रोजेक्ट के फ्लैट के माध्यम से भी दर्शाया गया, जिसमें लोगों ने फ्लैट की सराहना की और लोगों का सालों साल का भरोसेमंद पैराडाइज ग्रुप रहा है। इसी विषय की जानकारी मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष भतीजा ने दी है। रेस्पॉन्स मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है, लोगों ने हमें वापस से हमारे पे भरोसा दिखाया है। और न सिर्फ लोग यहाँ विजिट करने आए लेकिन रीविजिट के लिए भी आए, और डील भी कन्वर्शन हुई है इन 3 दिनों में। और आने वाला अभी भी ये जो 2-3 घंटा है ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, और इसका जो बेनिफिट है आने वाले 3-4 दिन तक बहुत ज़्यादा रहेगा। और मैं एक ही बात बोलूँगा आप लोगों के जरिए कि लोगों ने जो हमारे पे भरोसा रखा है तो उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, उनकी इमेजिनेशन से ज़्यादा हम लोग इस प्रोजेक्ट को फिर से जैसे साई मन्नत, साई क्रिस्टल, साई सफायर, साई स्प्रिंग, बाकी जो जितने सारे प्रोजेक्ट हमने डिलीवर किए इन लास्ट 25 सालों में मोर देन 100 प्रोजेक्ट, वैसे आने वाले समय में हम इस प्रोजेक्ट को भी लोगों के एक्सपेक्टेशन से ऊपर हम लोग बना के डिलीवर करेंगे बिफोर टाइम। ये लोगों का विश्वास है और हमारी पूरी पैराडाइज परिवार की हुई मेहनत है। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये जो एक्सपीरियंस सेंटर है ये हर चीज़ का जवाब इस एक्सपीरियंस सेंटर में अवेलेबल है। जब लोगों को घर खरीदना है तो उनको अपने सपनों को साकार करने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिलेगी।
हुए लोगों ने भी अपनी राय नवीबे आवाज साथ व्यक्त किया है कि किस तरह का प्रोजेक्ट रहा है पैराडाइज ग्रुप का या और यहाँ पर क्या कुछ खास है। सबसे पहले तो आज जो इतना हिस्टोरिकल लेवल पे जो आज ओपनिंग हुई है उसके लिए मैं पैराडाइज ग्रुप के मनीष भट्टीजा जी को, अमित भट्टीजा जी को और उनके पूरी टीम को तहे दिल से शुभकामना देना चाहूँगा कि नई मुंबई में इन्होंने बिल्डिंग बनाने का और बिल्डिंग में रहने का जो कॉन्सेप्ट चेंज किया है, एक न्यू बॉम्बे में इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया है। स्पेशली आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम आए हैं, साई वर्ल्ड एम्पायर के नाम से जाना जाता है, अभी जो मुझे बताया गया ये टोटल 18 एकड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें 6 एकड़ में कंस्ट्रक्शन है और 11 एकड़ में इसकी एमिनिटीज़ दी गई है। इन सब प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट के ओपनिंग में आने के बाद मुझे लगता है कि हम वर्ल्ड के जो बिल्डिंग प्रोजेक्ट है उनको कम्पीट कर सकते हैं और वर्ल्ड में किस तरह लिविंग अप स्टैंडर्ड है उसको अगर कोई कम्पीट कर सकता है तो हम पैराडाइज ग्रुप ही कर सकता है। उसके लिए मैं मनीष जी को, अमित जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसी तरह वो नई मुंबई का नाम रोशन करते रहे, नई मुंबई के लोगों को अच्छे घर का सपना जो है जो उनका पूरा होने में उनकी मदद करें और मेरी शुभेच्छा है कि साईं बाबा हमेशा जिस तरह उनके उनके ऊपर कृपा किए रहे और सक्सेस हों। विश यू द बेस्ट विशेस फॉर द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ये प्रोजेक्ट बहुत ही बढ़िया है। मन्नत का भी बहुत लाविश तरीके से बना है सारा इंटीरियर वगैरह, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आई लाइक इट। रिपीट अप और ये ऐसे बनाते रहे और हम लोग जैसे कस्टमर हैं वो यही ऐसे लैविश प्रोजेक्ट ही देखना चाहते हैं और लेना भी चाहते हैं। ये मुझे लगता है कि फॉरेन जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग यहीं पे वो सारा कुछ एंजॉय कर सकते हैं। फॉरेन जाने के बजाय अपने कंट्री में रह के वो सब एंजॉय कर सकते हैं। पैराडाइज ग्रुप ने वो सारे थीम यहाँ पे ला के बहुत ही बड़ी बड़े तरीके से ये बनाया गया हो। आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल दिस। जिस तरह से इसका एडवर्टाइज मैंने सुना था, इतने साल से मैं सुन रही हूँ, तो मेरी इच्छा होगी कि मैं जाके उसको देखूँ और आज मैं कुछ भी हो जाए कि मुझे देखना ही है, इसलिए मैं आ गई। लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे, जितना इमेजिन किया था उससे भी ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नहीं, इनका डेवलपमेंट जो है ना और भी अच्छा हो जाए, यही मेरी मन से इच्छा है और मेरा भी मन करा है कि मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूँ। बहुत अच्छा। पैराडाइज ग्रुप एक यही ग्रुप है जो हमें एक्चुअल घर देते हैं। ये घर में आने के बाद में आदमी को लगता नहीं है कि उनको काम बाहर या इंटरनेशनल जाने की जरूरत लगती है। मेरा ख्वाब था कि मैं जाके हांगकांग में सेटल हो जाऊं, बट जब से ये प्रोजेक्ट देखा है मैंने सेट कर लिया कि मेरी लाइफ यहाँ पे ही अभी सेट होनी है। वीडियो के साथ पंकज बेनवंशी की रिपोर्ट।